सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी सेकंड का थर्ड पेपर जूलॉजी का। ओके, बीएससी सेकंड ईयर में जो होने वाला है थर्ड पेपर, उसके जूलॉजी का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको देखेंगे 2022 एंड 2023 के लिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है रक्त स्कंदन या रुधिर क्या है, इसके कार्य लिखिए। रक्त स्कंदन क्या होते हैं या रुधिर क्या होता है, इसके कार्य को लिखिए। ये वेरी मोस्ट है, ये पक्का आएगा। इसके बाद है भोजन का पाचन कैसे होता है, वर्णन कीजिए। भोजन का पाचन कैसे होता है, इसका वर्णन करना है। ओके, भोजन के पाचन है ना कैसा होता है, इसका वर्णन करना है अच्छे से। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका के बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है जितनी भी आपकी बुक्स में होंगी। इसके बाद है नाइट्रोजेंस बेस्ट को समझाइए। नाइट्रोजेंस बेस्ट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, है ना। बुक में जितनी भी होगी उसमें सारे एक्सप्लेन करने हैं। इसके बाद है स्तनधारियों में श्वसन प्रक्रिया, स्तनधारियों में श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है, इसको भी बताना है। ओके, उसके बाद है मूत्र निर्माण में वृक्क का महत्व, है ना। मूत्र निर्माण में वृक्क या किडनी का क्या महत्व है, इसको बताना है। ओके, नेक्स्ट है पेशी ऊतक क्या है, पेशी ऊतक क्या होते हैं, है ना। पेशी ऊतक क्या होते हैं और पेशी के बारे में लिखिए। पेशी की परिभाषा है ना, पेशी की परिभाषा लिखना है आपको, और पेशी ऊतक क्या है इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके, कार्बोहाइड्रेट का वर्णन, ये वेरी मोस्ट है ना। कार्बोहाइड्रेट से जुड़े आपको जितने भी हैं पूरे के पूरे लर्न करने हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा कई प्रकार के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको वर्णन करने के लिए देता है ना। मैंने आगे भी क्वेश्चन दिए हैं। सो कार्बोहाइड्रेट को आपको नहीं छोड़ना है, इसको जरूर पढ़ लेना है ना। इसके बाद है प्रोटीन का वर्णन कीजिए। प्रोटीन का भी वर्णन, प्रोटीन से भी रिलेटेड जितने भी हैं उसको भी करना है, प्रोटीन विटामिन, है ना। और ये वसा का वर्णन कीजिए, वसा का, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा तीनों का अच्छे से वर्णन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रटहीलो, ये तीनों रटहीलो है ना। इसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं आगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और 11th नंबर है अंतःस्रावी ग्रंथि व बाह्यस्रावी ग्रंथियों में अंतर, है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में आपको पूरा पढ़ना है और बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में पूरा पढ़ना है और इसका अंतर भी कर लेना है। ओके, इसके बाद है पीयूष ग्रंथ। पीयूष ग्रंथ भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ओके, सो इसके बाद है हार्मोन्स के महत्व। हार्मोन्स के बाद वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर पढ़ना है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एंजाइम क्या है, इसके प्रकार लिखे। एंजाइम क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करना है ना। जो जो एंजाइम होते हैं और एंजाइम के जो प्रकार होते हैं इसको पूरा वर्णन करना है। लॉन्ग टाइप में आता है ये। ओके, इसके बाद है लिपिडों के वर्गीकरण व महत्व। लिपिडों का वर्गीकरण और इसका महत्व, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ पूरा रट के जाना है, कोई भी नहीं छोड़ना है। ओके, सो अगर चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार। और इसके बाद है, और इसके बाद है बीएमआर क्या है, बीएमआर क्या होता है, इसको भी हमें एक्सप्लेन करना है। आपके बुक में पूरा सिलेबस में दिया गया है। इसके बाद है विटामिन के कार्य, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के कार्य वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद है श्वसन रंजक, श्वसन रंजक क्या होता है, ये भी वेरी मोस्ट है। इसके बाद है क्लोराइड शिखर, है ना। क्लोराइड शिखर क्या होता है, इसको भी एक्सप्लेन करना है आपको। ओके, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है बोहर प्रभाव का वर्णन, बोहर प्रभाव वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद है प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया मतलब कि हमारी आंखों का एक एक झपना, या फिर हमें मान लीजिए एक्सप्लेन एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप। इसके बाद है पेसमेकर, पेसमेकर क्या होता है, इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है सोडियम पंप, सोडियम पंप क्या होता है, इसको भी हमें एक्सप्लेन करना है। और इसके बाद है प्रेरित फिट सिद्धांत, प्रेरित फिट सिद्धांत क्या होता है पढ़ना है ना। सो 90% चांसेस के आने के। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।